फ्रेंड्स, आफ्टर डिस्कशन ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोसोम, टुडे वी डिस्कस पॉलीटिन क्रोमोसोम. सो दीज आर ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ई जी बाल्बियानी इन 1881, फाउंड इन द लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला. फर्स्ट रिपोर्ट किया था बाल्बियानी ने 1881 में, और ये पाया जाता है ड्रोसोफिला के लार्वा में. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम, इन्हें हम सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी कहते हैं. सो this is the drosophila having larva and it is found in the salivary gland of drosophila larva. Development of polyteen chromosome. Polyteen chromosomes are developed from standard chromosome. ये standard chromosome से ही develop होते हैं. Some specialized cell undergo repeated cell replication. इसमें क्या होता है कि कुछ specialized cell हैं वो repeated replication के अंदर जाती रहती है विदाउट सेल डिवीजन. मतलब कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता रहता है पर सेल का डिवीजन नहीं होता. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोमाइटोसिस. तो जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम था वो डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड प्रोफेज, और इसमें क्या होता है एंडोमाइटोसिस. इसमें क्या होता है सेल तो रेप्लिकेट, डीएनए तो रेप्लिकेट होता है पर सेल डिवाइड नहीं होती है. सो क्रोमोसोम्स आर 100 टू 200 टाइम लार्जर देन नॉर्मल क्रोमोसोम. तो ये क्रोमोसोम 100 से 200 गुना बड़े होते हैं नॉर्मल क्रोमोसोम से. देयर इज़ एन इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, और इससे क्या है सेल का वॉल्यूम क्या होता है बढ़ता रहता है, फॉर्मिंग पॉलीटिन क्रोमोसोम, और पॉलीटिन क्रोमोसोम्स बनाते हैं. तो सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम ये हम देख पा रहे हैं, दे आर वेरी बिग. स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम, दीज शो डार्क बैंड एंड लाइट इंटरबैंड ऑफ डिफरेंट साइजेस. इनमें डार्क और लाइट बैंड मिलते रहते हैं डिफरेंट साइजेस के. तो जो डार्क बैंड है तो दीज आर द रिप्रेजेंटेड बाय बी, एंड हैविंग इन बिटवीन द इंटरबैंड्स विच इज़ ऑफ लाइट इन कलर. सो द बैंड्स आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड हैविंग डिफरेंट शेप्स. सो डार्क बैंड्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए. डार्क बैंड में क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड बेसिक प्रोटीन. सो डार्क बैंड में क्या मिलता है आपको, बहुत ज़्यादा डीएनए मिलता है, कुछ अमाउंट आरएनए का मिलता है और बेसिक प्रोटीन्स होते हैं. इंटरबैंड्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन, और जो इंटरबैंड्स हैं उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए होते हैं और एसिडिक प्रोटीन होते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो बैंड्स हैं उनमें बेसिक प्रोटीन्स मिल रहे हैं जबकि जो इंटरबैंड्स हैं उनमें एसिडिक प्रोटीन्स मिल रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ पफ, सो दीज क्रोमोसोम हैव अ पफ लाइक स्ट्रक्चर. सो हाउ दीज पफ फॉर्म, द बैंड ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम्स फर्स्ट स्वेल अप. इसमें क्या होता है जो बैंड है पॉलीटिन क्रोमोसोम का वो पहले क्या हो जाता है स्वेल अप हो जाता है, देन एक्सटेंड आउट राइट एंगल टू मेन एक्सिस, और देन एक्सटेंड होता है राइट एंगल टू द मेन एक्सिस. मेन एक्सिस से राइट एंगल पे ऑफ क्रोमोसोम द एनलार्ज बैंड इज कॉल्ड एज पफ. सो जो बैंड एनलार्ज हुआ है एक्सिस से राइट एंगल पे उसे हम क्या कहते हैं पफ कहते हैं. एंड दीज आर फॉर्म ड्यू टू द स्वेलिंग अप ऑफ द बैंड्स. पफ आर एक्टिव साइट ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस. जो पफ होते हैं दीज आर एक्टिव साइट ऑफ एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए. तो पफ पे एमआरएनए का सिंथेसिस, आरआरएनए का सिंथेसिस और टीआरएनए का सिंथेसिस बहुत ही एक्टिवली होता है. सो पफ सीम्स टू हैव कंसंट्रेशन ऑफ फाइबर ग्रेन्यूल आरएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन. तो जो पफ के पास आपको क्या क्या मिलेगा, फाइबर्स की कंसंट्रेशन मिलेगी, ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, आरएनए मॉलिक्यूल मिलेंगे एंड प्रोटीन्स मिलेंगे. बाल्बियानी रिंग, अब क्योंकि ये जो बैंड्स और इंटरबैंड्स की स्ट्रक्चर है तो इट लुक लाइक द बैंड लुक लाइक अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं बाल्बियानी रिंग. और ये नाम किस पे पड़ा है, ऑन द नेम ऑफ द डिस्कवरर ऑफ द पॉलीटिन क्रोमोसोम. पॉलीटिन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था बाल्बियानी ने, तो उस बेसिस पे हमने इन रिंग्स को क्या कह दिया बाल्बियानी रिंग. सो क्रोमोनिमेटा क्रोमोसोम मटेरियल, जो क्रोमोनिमेटा होता है ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम गिव आउट अ नंबर ऑफ लूप एट सर्टन प्लेसेस. ये क्या करते हैं बहुत सारे अलग अलग जगह पे एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं. सच लूप्स आर कॉल्ड बाल्बियानी रिंग, दीज आर रिच इन एमआरएनए. इन लूप्स को हम क्या बोलते हैं बाल्बियानी रिंग बोलते हैं, और जो कि हैविंग अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एमआरएनए. क्रोमोनिमेटा अंडर गो कॉइलिंग, जो क्रोमोनिमेटा है वो कॉइलिंग करती रहती है एंड सुपर कॉइलिंग करती रहती है, रिजल्ट्स इन द थिकनेस ऑफ क्रोमोसोम. सो ड्यू टू द कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग ऑफ क्रोमोनिमेटा देर इज फॉर्मेशन ऑफ देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम विच आर वेरी थिक इन शेप.
So here is the Balbiani ring of polytene chromosomes. Bands and interbands. हमने डिस्कस किया था पहले भी बैंड्स और इंटरबैंड्स. सो हियर इज द क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन द बैंड्स एंड इंटरबैंड्स. सो बैंड्स आर डार्क इन अपियरेंस, इंटरबैंड्स गिव लाइट अपियरेंस. डीएनए स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड अप इन बैंड रीजन. डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो बैंड रीजन में क्या होते हैं, कॉइल्ड रहते हैं. डीएनए स्ट्रैंड्स आर नियरली स्ट्रेट इन इंटरबैंड रीजन. सो जो बैंड्स में जो डीएनए होता है वो क्या होता है, कॉइल्ड होता है मोस्टली. और जो इंटरबैंड्स में है द डीएनए इज क्वाइट स्ट्रेट. बैंड्स हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड बेसिक प्रोटीन. बैंड्स में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए होता है और बेसिक प्रोटीन होता है. इंटरबैंड्स हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड एसिडिक प्रोटीन. सो बैंड्स में आपके बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और इंटरबैंड्स में आपके एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं. बैंड्स इन सम टिश्यूज स्वेल अप टू फॉर्म पफ. कुछ टिश्यूज़ में बैंड क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, पफ. हमने पहले भी पफ को डिस्कस किया है. और मे गिव टू लूप लाइक लूप्स कॉल्ड बाल्बियानी रिंग. और उनको वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम बाल्बियानी रिंग भी कहते हैं. पफ और बाल्बियानी रिंग आर नॉट फॉर्म्ड इन इंटरबैंड रीजन. ऐसी कोई स्ट्रक्चर पफ और बाल्बियानी रिंग इंटरबैंड्स में नहीं बनते. इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलीटिन क्रोमोसोम. पॉलीटिनी अराइजेज इन टिश्यूज़. जो पॉलीटिनी है वो किस में अराइज होती है, टिश्यूज़ में, ऑर्गन में एंड एट डेवलपमेंटल स्टेजेस में. और डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी डेवलप होती है. व्हेन देयर इज़ अ नीड फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, वहाँ जहाँ पे ऑर्गन्स का फास्ट डेवलपमेंट रिक्वायर्ड होता है. कि मीन्स एज दीज हैव अ प्लेंटी अमाउंट ऑफ द डीएनए कॉन्टेंट. ऑर्गन्स कंटेनिंग सेल विद पॉलीटिन क्रोमोजोम्स आर इन्वॉल्व इन इंटेंस सिक्रेटरी फंक्शन फॉर रैपिड ग्रोथ. जो ऑर्गन्स होते हैं जिनमें पॉलीटिन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, दे इन्वॉल्व इन इंटेंस सिक्रेटरी फंक्शन फॉर रैपिड ग्रोथ. सो इनमें बहुत ज़्यादा सिक्रेटरी फंक्शन पाए जाते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड ग्रोथ. पॉलीटिनाइजेशन हेल्प इन ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व द एनर्जी. जो पॉलीटिनाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. वेयर द सेल ओनली इंक्रीजेज द डीएनए कंटेंट एंड सेल डिविजन फेज इज एलिमिनेटेड. जो पॉलीटिन है वो ऑर्गेनिज्म में एनर्जी कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं. किस दौरान, डेवलपमेंट के दौरान. तब जब सेल सिर्फ क्या होती है, इंक्रीज होती है और जो डीएनए कंटेंट और सेल डिवीजन का फेज है वो नहीं होता है. देयर बाई दे कंजर्व एनर्जी एंड टाइम. थैंक यू.